जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली खास वीडियो है सीआरपीएफ एनसीएम वैकेंसी के बारे में, इसकी जो नई अपडेट है, इसके नोटिफिकेशन, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उस सभी के बारे में, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन सभी के बारे में ये वीडियो है। साथ ही इसमें मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें कौन कौन से सिलेबस आपको किस प्रकार से तैयार करने हैं, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है इसके बारे में भी, और साथ में इसकी जो खास खास जानकारी है वो भी। दोस्तों एक चीज़ बता दूँगी, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है उस पर जाकर जुड़ जाइए, ताकि आपको जितने भी मैं इधर वैकेंसियां बताता हूं उनकी नोटिफिकेशन, उनके जो ऑफिशियल नोटिस होते हैं वो सभी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि आपको जो भी मैं वैकेंसी इधर बताता हूं, जो मेरे दूसरे चैनल पर बताता हूं, जो भी नई अपडेट, उन सभी की पीडीएफ या नई आने वाली वैकेंसियों के बारे में जो नई अपडेट होती है वो आपको वहां मिल जाएगी दोस्तों। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए दोस्तों। साथ में अब इस बार बात करते हैं सीआरपीएफ एनसीएम की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ये वैकेंसी 1100 पोस्ट के आसपास होने वाली है सीआरपीएफ में एनसीएम की, साथ में एक बीएसएफ में भी एनसीएम की वैकेंसी आने वाली है। उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं एक चीज़ बता दूं, दोनों का सिलेबस सेम ही, दोनों के सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आपके एक पन दो काज हो जाएंगे। आप सीआरपीएफ एनसीएम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है इसमें हाइट ज़्यादा नहीं है, 165 है, और लड़कियों के लिए 162.5 है, ठीक है। कुछ इलाकों में 162 भी दी गई है लड़कों के लिए भी, जैसे कुछ अलग देश के स्टेट है जिनमें हाइट कम होती है, नॉर्थ ईस्ट वाले, उनको उनमें हाइट में भी छूट दी गई है दोस्तों। इसका जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजिंग है, जो आपको किस किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में मैं पूरी डिटेल दे देता हूँ सिलेबस के बारे में। फिर बाद में एज कैटेगरी, आप सभी को पता है इसमें 18 से 25 है, ओबीसी और एसटी को अलग से छूट दी गई, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, उसके अलावा ओबीसी एसटी को छूट दी गई है। इसके अलावा आप फिजिकल में इसके कुछ नहीं होता, रनिंग वनिंग नहीं होती, केवल हाइट, चेस्ट और वेट होता है, नॉर्मल सा होना चाहिए, उसमें कोई खास बात है नहीं, चेस्ट वेस्ट के इसमें ज़्यादा पंगा नहीं होता, नॉर्मल सा आपका 5 सेमी फिलाव होना चाहिए। हाइट मैंने बता दी 165 सेमी, लड़कियों के लिए 162 और 157 सेमी भी है नॉर्थ ईस्ट में। अब बात करें इसके सिलेबस की, इसके सिलेबस में वैसे 5 भाग हैं, 4 भाग 50-50 नंबर के, कौन कौन से, इंग्लिश या हिंदी, इसमें 12th पास आपकी एजुकेशन होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, रीजनिंग, जीके और मैथ। इसके अलावा 25 नंबर का एक आपको लिखना पड़ता है, ये सभी ऑप्टिकल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके अलावा 25 नंबर का एक पेपर होता है, उसमें लिखना होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक ऐसे होता है 15 नंबर का, उसमें आपका ऐसे की जो राइटिंग है उसके 5 नंबर, आपका कॉन्टेंट के 5 नंबर, जो कॉन्टेंट आप अपने दिमाग से लिखते हो उस कॉन्टेंट के भी मिलते हैं 5 नंबर, और आपकी एक्यूरेसी के 5 नंबर, 15 नंबर का हो गया। एक लिखना होता है आपको लेटर, लेटर में आपको चाहे किसी आपको कोई ऑप्शन दिया जाएगा कि इस पे आप लेटर लिखो, तो वो लेटर आपको लिखना है, लेटर में भी आपके कंटेंट के 5 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर आपके एक्यूरेसी के, और 4 नंबर आपके हैंड राइटिंग के, इस प्रकार से 10 नंबर वो होते हैं, टोटल 25 नंबर का ये लिखा जाता है। इसमें आपको कॉन्टेंट खुद का लिखना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसे भी आपको अपनी मर्ज़ी से लिखना पड़ेगा, और लेटर भी आपको अपनी मर्ज़ी से किसी कहीं पे दे के आपको नहीं लिखना है। ये इस बार चेंजिंग हुए हैं, इसमें ये नए पार्ट जोड़ा गया, टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और 1.5 घंटे का, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा दोस्तों, यानी 150 मिनट का ये पेपर होगा। अब आप इसके लिए तैयारी करो तो सबसे पहले मैं बता दूँ इसकी प्रोसेस में, सबसे पहले आपका होता है फिजिकल, फिजिकल मतलब आपकी हाइट वाइट चेक हो जाती है नॉर्मली, उसके बाद में उसी वैसी समय आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद में आपका होता है रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जाम जो बंदा पास कर लेता है उसके बाद में उसका होता है टाइपिंग या स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आप सभी को पता है कि हिंदी के लिए आपको 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश के लिए 35 वर्ड प्रति मिनट, साथ में एक्यूरेसी आपकी 90+ होनी चाहिए। उसके बाद में होता है इसका मेडिकल, जो ये सब पास कर लेता है उसका होता है मेडिकल। दोस्तों इसमें एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसकी मेरिट बहुत ही कम रहती है, यानी बहुत ही कम इसकी मेरिट रहती है, तो आप सभी को फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि मेरिट डाउन रहती है, जिनकी टाइपिंग की स्पीड अच्छी है वो इसमें काफ़ी हाथ मार जाते हैं। आपको लग रहा हो कि 1100 पोस्ट तो बहुत कम है ऑल इंडिया के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया है, 1100 पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है, इससे पहले इतनी बड़ी वैकेंसी आई भी नहीं है किसी एक डिपार्टमेंट की, तो इसलिए अच्छी वैकेंसी है। इसमें केवल जिनकी टाइपिंग अच्छी है और पेपर जिनकी मतलब जिनकी मेहनत अच्छी है उनका नंबर 100% हो जाता है, इसके पेपर की मेरिट ज़्यादा अप नहीं जाती है, क्योंकि टाइपिंग स्किल टेस्ट में काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं। इसका जो मेन टेस्ट होता है वो टाइपिंग का होता है, तो दोस्तों आप अगर डेली 1 घंटा भी टाइपिंग करोगे तो आपकी ये स्पीड आ जाएगी, अगर अभी से तैयारी शुरू करना कर दोगे तो आपकी वो स्पीड आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 मार्च में आने वाली है, इसके जो एग्ज़ाम होने हैं या इसका फिजिकल टेस्ट होना है। अगर इसकी 3 मार्च में ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे सीआरपीएफ की अपडेट जो ईयरली अपडेट है उसमें साफ साफ लिखा है कि इसकी नोटिफिकेशन
आपके मार्च महीने में आएगी दोस्तों। अगर मार्च महीने से इसके फॉर्म शुरू होते हैं तो मार्च अप्रैल के बीच में इसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, उसके बाद में 2 महीने बाद में इसका फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाता है। इस वैकेंसी में पूरा 1 साल का समय लगता है, 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगता है। एसएससी जीडी की तरह इसमें आपको 2 साल का समय नहीं लगता है, 1 से 1.5 साल के बीच में ये पूरी वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। यानी 2 महीने बाद में आपका फिजिकल शुरू हो जाता है, इसमें फिजिकल में ज़्यादा कुछ है नहीं तो जल्दी जल्दी फिजिकल हो जाता है 15 दिन के अंदर। उसके बाद में आपका रिटर्न टेस्ट आयोजित होता है 2 या 3 महीने, यानी अभी से आप मान के चलो तो आपके पास में 4 से 5 महीने बचते हैं रिटर्न टेस्ट के लिए। अगस्त महीने के आसपास आपका इसका रिटर्न टेस्ट होगा, तो अभी से तैयारी आपको जोरों से शुरू कर देनी, उसके बाद में होगा इसका मेडिकल। तो इसके बारे में और जो जानकारी है उसके बारे में नई नई जो अपडेट आती रहेगी आपको बताता रहूँगा, लेकिन आपको मार्च में इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों। और भी इसके जो ऑफिशियल नोटिस है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर देता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जय हिंद।